So, this is the last episode in the series of the ecology video by me, myself, Krishan Rajwar, final year MBBS student from VMMC and SJS. I'll be producing video lectures by the team of DMG in the following topics: ecology, full ecology, then genetics, core genetics as well as applied genetics, biotechnology, evolution, and then cytology. I can take few extra topics. I'll update about that from time to time. So in this last episode of the ecology lecture, organism and population. Organism, everybody knows. Single species is an organism. Population is a group of the organism of the same species, you all know. So in this lecture, there are three important topics which we need to stress. What are they? First one is concept about conformer, regulator, and partial conformer. And one more thing, all the ecology chapters are important from AIPMT point of view. Okay. Questions are commonly asked in AIPMT. Partial conformer. Second is two types of population growth. Population growth curve. Questions यहाँ से भी आता है. Third है population interaction. जो five types की interactions दी हुई है, वो important है. Population interactions. Okay. तो इस पे ही हम stress करेंगे ये lectures में. तो सबसे पहले हम start करेंगे concept conformer, regulator and partial conformer का. या उससे पहले हम कोई भी इकोलॉजी में प्रोसेस पढ़ते हैं, तो जैसे कोई भी प्रोसेस है, ये आपके फर्स्ट पेज में ही समझाया है, तो कोई भी प्रोसेस है उसका, उसमें हम अगर वाई जाने और हाउ जाने इकोलॉजी के प्रोसेस में, या कोई भी प्रोसेस स्पेशली इकोलॉजी में, हमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखना होता है, वाई एंड हाउ. तो वाई हमारा क्या करता है कि उस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस है, जैसे कुकू की सिंगिंग का वो मतलब है, कंसेप्ट है, मतलब एनसीईआरटी में एग्जांपल देके समझाया है कि कुकू सिंग करती है, क्यों करती है, वो मेट कॉल होता है अपने मेट को बुलाने के लिए, और हाउ, तो फिर उसका वॉइस बॉक्स का मैकेनिज्म, मतलब हाउ मैकेनिज्म उस प्रोसेस का, ये इम्पोर्टेंट है, ये शुरू में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड. बाकी एग्जाम में ज़्यादा चांस नहीं है कि इससे कोई क्वेश्चन पूछेगा. इसके बाद हम देखें तो जो हमारा ये है तीनों, रेगुलेटर, कन्फर्मर, पार्शियल कन्फर्मर का कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे देखिए, ये अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट जिसको फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं उसकी इंटर, और इसके बाद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है. तो ग्राफ में जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें तीन टाइप का कर्व मिलेगा. ये कर्व एपीएमटी में पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा सकते हैं. एक कर्व होगा, जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बढ़ेगा, इंटरनल इन्वायरमेंट पर कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर, सैलिनिटी, कुछ भी ना, मतलब जो भी पैरामीटर हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के. और सिमिलरली इंटरनल में भी ये इंटरनल का टेम्परेचर, इंटरनल की सैलिनिटी, उस ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर, तो ये एकदम कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं, बाहर कुछ भी हो रहा है हमें तो कोई मतलब नहीं. अब एनसीईआरटी में इसको एसी की एग्जांपल से समझाया, जैसे कि हम नॉर्मली अच्छे फंक्शन कब करेंगे, जब हमारी रूम का टेम्परेचर चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, एक नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर हो जो हमारी बॉडी का होता है, ठीक है. तो अगर टेम्परेचर बाहर का बड़ा है तो हमें एसी लगाना पड़ेगा, अगर बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो हमें वार्मर लगाना पड़ेगा, ये बोला है. तो ये बोला है कि जैसे कि सपोज करिए कि वार्मर हर अफोर्ड नहीं कर सकते, मान लीजिए वार्मर 5000 रुपए का है, सभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो तब एग्जांपल दिया है कि कुछ रेगुलेटर होते हैं जो अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ होते हैं कि कन्फर्मर होते हैं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, भाई साहब हम तो नहीं अफोर्ड करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे, हम 5000 कैसे दे देंगे वार्मर का. ऐसा जैसे उसमें एसी का लिया है, मैं वार्मर का बता रहा हूँ. और फिर उसके बाद की कुछ पार्शियल कन्फर्मर, थोड़ी शुरू में नहीं, नवंबर दिसंबर की ठंडी में पता नहीं चला, जब जनवरी आएगी खतरनाक ठंडी पड़ेगी तो फिर वो कहीं से लोन लेके वार्मर खरीद लेंगे. तो ये एक है, मतलब दैट दे आर पार्शियल कन्फर्मर. तो यहाँ पे हम बनाएंगे फिर इसके बाद, ये तो हमारा आपने बता दिया, ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर है, ठीक है, ये हमारा रेगुलेटर है. इसके बाद एक होगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एक्सटर्नल कंडीशन बढ़ेगा तो इंटरनल भी इसका बदल दिया जाए, ये क्या है, कन्फर्मर है, ठीक है. एपीएमटी में क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जैसे पूछ लेगा कि ये अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बताते हैं. और ये क्या है, पार्शियल कन्फर्मर,
अब कुछ बच्चे पूछते हैं मेरे से, जब मैं लेक्चर्स में पढ़ाता हूँ तो बोलते हैं कि इसको पार्शियल रेगुलेटर बोल पाएंगे, बिल्कुल बोल पाएंगे, पार्शियल रेगुलेटर बोलिए चाहे पार्शियल थर्मोमीटर बोलिए, जो 50% जीनियस है वो 50% गधा भी तो है, तो हम कुछ भी बोले उसे 50% गधा बोले या 50% जीनियस, ठीक है। ये पेसिमिज्म दिख रहा है एनसीईआरटी में कि इसने इसको नीचे वाला बोला है पार्शियल कंफर्मर, हम पार्शियल रेगुलेटर बोलते हैं, 50% हम जीनियस है ये बोलना चाहिए ना, इन कंपेरिजन तो हम 50% देते हैं। तो ये हो गया मैकेनिज्म। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन एग्जामी क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जामी क्वेश्चन इनके एग्जाम्पल्स पे आता है कि अब रेगुलेटर कौन होता है, रेगुलेटर केवल 1% ऑफ द एनिमल्स होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है एज पर द सोसाइटी में हमारे पैसे सभी के पास नहीं होते। एक रिसेंट सर्वे हुआ था उसमें ये पता चला था वर्ल्ड के 62 बिलियनियर्स के पास जितना पैसा है उतना पैसा वर्ल्ड के बाकी पूरी पॉपुलेशन के पास है। तो वही यहाँ भी है, यहाँ पे भी 1% ऑफ द एनिमल ही एफर्ट कर पाएंगे, बाकी 99% बेचारे गधे जैसा रोते रहते हैं। तो रेगुलेटर कौन होता है 1% ऑफ द एनिमल, और कन्फर्मर कौन होता है 99% ऑफ द एनिमल, ठीक है, 99% ऑफ द एनिमल प्लस 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 ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल बोला है, ऑलमोस्ट ऑल मतलब कुछ होंगे प्लांट्स, जिसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है आपको याद नहीं दिया है और एनसीईआरटी आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है तो मत याद करिए, लेकिन ये टर्म याद रखिए, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, ठीक है, हो गया ये काम खत्म। तो ये कॉन्सेप्ट है बाकी, और जो आपके इसमें ज्यादा कुछ दिया भी नहीं है ये इसके बारे में जो एग्जाम्पल्स है वो तो आप याद रख लो। अब कैसे रेगुलेट करते हैं, तो रेगुलेटर रेगुलेट करते हैं तो उसका मैकेनिज्म क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है तो हम करेंगे अभी डिस्कस, रेगुलेटर रेगुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो दो तीन चीज होता है, बिहेवियरल रेगुलेशन भी होता है, बिहेवियरल रेगुलेशन मतलब कि जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, उसके रूम में एसी नहीं है लेकिन उसकी लाइब्रेरी में एसी है, उसके रीडिंग रूम में एसी है, तो वो क्या करेगा गर्मी के दिन में जब गर्मी होगी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वो ज़्यादा टाइम अपनी लाइब्रेरी में स्पेंड करेगा अगर वो फ्री रहता है, मतलब कि उसकी क्लास खत्म हो गई है और फिर क्लास में भी एसी है इमेजिन के लिए, तो वो हमेशा लाइब्रेरी में मैक्सिमम है, और ठंडी में क्या करेगा अपने रूम में रहने की, ठीक है, फिर उसके रूम में वो वार्मर रेफर कर सकता है, वार्मर नहीं रेफर कर सकता तो वो मतलब उसके रूम में उतनी ठंडी नहीं होती जितनी गर्मी उसे बहुत परेशान करती है, तो वो ऐसा करेगा। तो दिस इज बिहेवियरल एडाप्टेशन, एनिमल भी हमारा यही करता है, गर्मी में वो क्या करेगा अंदर घुस जाएगा, ठीक है, या दिन के टाइम वो अंदर घुस जाएगा और रात के टाइम बाहर आ जाएगा जब थोड़ा टेम्परेचर ठंडा हो, तो बिहेवियरल रेगुलेशन होता है। ऐसे फिजियोलॉजिकल भी होता है कि जैसे फिजियोलॉजिकल हम करते हैं कि क्या होते हैं कि जब गर्मी होती है तो हम बहुत मतलब स्वेटिंग करने लगते हैं तो उससे हमारी बॉडी की हीट लॉस होती है, और जब ठंडी होता है तो हम शिवरिंग करते हैं ऐसे, तो उससे क्या है ये एक तरह का एक्सरसाइज है जिससे कि मसल मूवमेंट हो रहा है जिससे कि एनर्जी जनरेट होता है। तो बेसिकली मैकेनिज्म यही है, एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है और मैकेनिज्म भी यही होता है केवल। इसके अलावा आपको जो अगर कंडीशंस वैसे ही रही जैसे कन्फर्मर्स होते हैं तो कंडीशंस ऐसे रहे, हॉस्टाइल कंडीशन रही, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा तो क्या करेंगे हम, दो टेम्परेचर या तो सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंड मतलब हम छुप जाएंगे कहीं, तो छुपने के अलग अलग तरीके, एस्टिवेशन होता है गर्मी में जो कि स्नेल्स करता है, ठीक है, और फिर जो बियर पोलर बियर्स होते हैं विंटर में हाइबरनेशन करते हैं, ठीक है, और एक डायपॉज होता है वो मतलब कि जूप्लैंकटन करते हैं, सस्पेंशन का पीरियड होता है, ये एग्जांपल आप एनसीईआरटी देख लीजिए, या तो माइग्रेट हम कर जाएंगे जैसे सपोज करिए मैं दिल्ली में रहता हूँ बहुत गर्मी हो गई तो मैं शिमला चले जाऊँगा वैकेशन मनाने 2 महीने, ठीक है, अगर मैं 2 महीने का वैकेशन अफोर्ड कर सकता हूँ, वैसे बहुत गर्मी लोग कर सकते हैं इतने, तो माइग्रेशन में यही होता है जैसे कि हमारी साइबेरियन जो साइबेरियन क्रेन होती है वो कोलोराडो बर्ड सेंचुरी में आती है, आप कभी जाइए और दिसंबर जनवरी के टाइम आएंगे तो आपको दिसंबर जनवरी के टाइम कोलोराडो भरतपुर में है, अगर वहाँ जाएंगे तो आपको साइबेरियन क्रेन दिख जाती है। आई हैड विजिटेड इन 2014 तो उस समय मेरे को साइबेरियन क्रेन दिखी थी वहाँ, उस समय आती है दिसंबर जनवरी के टाइम वो जनरली आती है ठंडी से बचने के लिए वहाँ साइबेरिया की ठंडी से, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि जैसे कि वो आती हैं मम्मी आई फिर बच्चे को कैसे याद आता है कि इसी रास्ते से जाना है, तो ये उनमें एडाप्टेशन होता है, तो ये जेनेटिक उनकी जेनेटिक्स में आ गया प्लस वो अपने बच्चे को सिखा भी देते हैं कि बेटा कैसे जाना है साइबेरिया से यहाँ कितना थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स है तो भरतपुर तक आती है तो कैसे आती है, तो वो मतलब ये जेनेटिकली ट्रेनिंग मतलब प्लस ये उनकी ट्रेनिंग होती है, मतलब उनकी बच्चों को उनके पेरेंट्स सिखा देते हैं, मतलब ये सब जैसे कि था वो बहुत प्रिमिटिव लेवल पे होता है उनमें क्योंकि वो एडवांस स्पीसीज नहीं है ह्यूमन की तरह, जितना एडवांस ह्यूमन जितना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन है उतना नहीं सिखाता, लेकिन वो बिल्कुल सिखाता है, उनके लेवल पे भी यही होता है कि
नहीं तो फिर पेरेंट्स उनके 4000 किलोमीटर चल के आए, फिर चले गए और फिर वो कैसे आ जाते हैं इतना, तो वो सब उनकी जेनेटिक्स में भी प्लस होता है कुछ, प्लस वो ट्रेन उनके पेरेंट्स उन्हें ट्रेन करते हैं, ये चीज़ होता है, ठीक है, ये चीज़ होता है। इसके बाद एडाप्टेशन की जो बात है, एडाप्टेशन क्या होता है, एडाप्टेशन मतलब किसी भी कंडीशन में रहने का के लिए हम कितने अडाप्ट होते हैं, ठीक है, यही है एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन अलग अलग होता है, ये होता है एक तो एडाप्टेशन, जैसे एडाप्टेशन प्रिकॉशन बस एक दो ही आए हुए हैं और आते हैं बहुत कम है बेसिकली रेगुलेटर नॉर्मल कहीं। एडाप्टेशन में क्या होता है, एडाप्टेशन तीन टाइप के होते हैं, एक मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन होता है, मॉर्फोलॉजी उसकी बदल जाएगी, जैसे प्लांट है तो डेजर्ट में रहना है तो उसके जो स्टेम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, उसके लीव्स स्पाइन बन जाएगी, मॉर्फोलॉजिकल होता है। एक बिहेवियरल होता है, बिहेवियरल एडाप्टेशन में जैसे गर्मी में वो बच्चा क्या था, गर्मी में वो बच्चा रीडिंग रूम में चला जाता था क्योंकि उसके रूम पे एसी नहीं था, ठीक है, और ठंडी में क्या था अपने रूम पे रहता था क्योंकि उसका रूम इतना गर्म रहता था, वो बार बार एफर्ड कर सकता था 1000 रुपये का कंपेयर टू एसी 30,000 की नहीं एफर्ड कर पाता। तो मॉर्फोलॉजिकल हो गया, बिहेवियरल एडाप्टेशन होगा, और एक टाइप और की और एडाप्टेशन होती है फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल क्या है, जैसे कि सपोज करिए फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, जैसे फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में मतलब कोई बंदा अगर हाई एल्टीट्यूड्स पे जाता है तो उसकी वहाँ के एयर में ऑक्सीजन कम होता है, जैसे फिजियोलॉजिकल में आप एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हाई एल्टीट्यूड्स पे चला जाता है तो क्या होता है, वहाँ की एयर लेस ऑक्सीजन डेंस है ना, वहाँ के एयर में लेस ऑक्सीजन है तो क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए हम एक महीने सॉरी एक मिनट में 15 मिनट लेते थे सांस, तो अब 20 बार लेंगे, सॉरी एक मिनट में 15 बार लेते थे तो अब 20 बार लेंगे, तो क्या होगा, हम कम ऑक्सीजन है, हमारे पास 0.1 ही ऑक्सीजन, पहले 0.3 मान लीजिए यूनिट था, एक बार हम 0.3 यूनिट ले पा रहे थे, अब 0.1 ही ले पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, नंबर बढ़ा देंगे ताकि उनको ऑक्सीजन मिल जाए, उतना ऑक्सीजन मिल जाए, तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, ठीक है, आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, ठीक है, आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन जब आप फर्स्ट ईयर बीबीएस में आओ तो आपको फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तो आप आरबीसी काउंट कैलकुलेट करते हो न्यूबर्ग चैम्बर ब्लड सैंपल लेके, तो उसमें अगर कोई आपका बैचमेट है हिली एरिया से आया तो उसका देखना कंपेरेटिवली, जैसे वो हिमाचल में रहा है या काफी हिली एरिया में बहुत लंबे टाइम लगा है तो उसका आरबीसी काउंट नॉर्मल से बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 2x होता है ऑलमोस्ट, तो ये आप देखिएगा, आप उस समय देखोगे, तो ये रेस्पिरेटरी रेट आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। इसके बाद एफिनिटी भी बढ़ जाता है, एफिनिटी मॉलिक्यूलर लेवल पे रेगुलेट हो रहा है, जो आरबीसी की मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है स्पेक्ट्रिन एंड काइरिन, बेसिकली आप जब मेडिसिन पढ़ोगे हायर लेवल पढ़ोगे तो इसका है, लेकिन अभी ये याद रखो एफिनिटी बढ़ जाता है। अब वैसा पूछे एफिनिटी कैसे बढ़ जाता है, एनकाइरिन स्पेक्ट्रिन जैसे प्रोटीन के वो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप, एफिनिटी ऑफ आरबीसी टुवर्ड्स ऐसा करके बढ़ जाता है, ठीक है, ये सर। तो ये एडाप्टेशंस का कंसेप्ट हो गया, इसके बाद हम देखेंगे तो बाकी इसमें कुछ और नहीं है, ठीक है, और पॉपुलेशंस के बारे में हम देखेंगे। अब पॉपुलेशन कर्व देखेंगे तो उससे पहले शॉर्ट में पॉपुलेशन पढ़ लेते हैं ना, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ या टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हमें पढ़ना है तो हमें उससे पहले पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पॉपुलेशन क्या है, तो मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, पॉपुलेशन एक स्पीसीज की होती है, जैसे हम यहाँ ह्यूमन से कंसर्न है बेसिकली, तो पॉपुलेशन होता है तो आपको पता होगा ढेर सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है कि पॉपुलेशन में बर्थ रेट होता है डेथ रेट होता है, बर्थ रेट होता है और डेथ रेट होता है, आप छोटे क्लास में ज्योग्राफी में ये पढ़े होंगे क्या होते हैं बर्थ रेट है, और पीपल कोई होगा पर्टिकुलर या पर्सन है तो उसका बर्थ होता है या डेथ होता है, ठीक है, पीपुल का या तो मेल होगा या फीमेल होगा या इंटरसेक्स होगा, लेकिन जो पॉपुलेशन होता है उसके पास सेक्स रेशियो होता है, ठीक है, पैरामीटर है। तो बेसिकली बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, डेथ क्या है, डेथ बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना, पर 100 पे हम सॉल्व करेंगे बर्थ बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इनटू 100, ठीक है, तो बर्थ रेट अभी हो गया। अब हमारी एनसीईआरटी में तीन टाइप के कर्व दिया हुआ है, जो पुरानी एनसीईआरटी में भी हमारे दिया था, और पुरानी एनसीईआरटी में जब दिया था तो एम्स में बहुत पूछा जाता था, उस कर्व पे एआर पूछता था, तो उसको हम कवर करेंगे क्योंकि यहाँ आजकल भी कुछ एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो बेसिकली हम कवर उसको करते हैं। तो जो थ्री टाइप्स की पॉपुलेशन पिरामिड, मतलब पॉपुलेशन पिरामिड, थ्री टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, वो इम्पोर्टेंट है,
अब क्या उससे पूछता है कि ये कौन सी पॉपुलेशन पिरामिड है, ठीक है, और या फिर इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो तीन टाइप की होती हैं, एक तो होती है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड, एक्सपेंडिंग, एक होती है स्टेबल और एक होती है डिक्लाइनिंग, ठीक है। एक्सपेंडिंग मतलब कि एक चीज देखिए, पॉपुलेशन पिरामिड में तीन एज ग्रुप हम लिखते हैं, जैसे आपने इकोलॉजिकल पिरामिड भी बोला होगा वैसे पॉपुलेशन पिरामिड है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ऐसे लीजिए, एक्सपेंडिंग मतलब क्या होता है कि बेसिकली एक्सपेंडिंग मतलब कि जो ये देखिए, ये जो सबसे नीचे है, नीचे से ऊपर जाएंगे हम तो ये प्री रिप्रोडक्टिव होगा, मतलब ये बच्चे हैं, ये रिप्रोडक्शन अभी नहीं कर सकते, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होगा 15 से 49 वाला, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव होगा, ठीक है, या ओल्ड पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है, मतलब 49 से ऊपर, 49 से ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी कंट्री, हमारी इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी एवरेज इंडियन 64 इयर्स तक सर्वाइव करता है, ये थोड़ा याद रखिएगा, आप पीएम जीके में पूछ सकते हैं। तो ये एक्सपेंडिंग है, एक्सपेंडिंग क्यों बोल रहे हैं इसको पता है, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव हमारे सबसे ज्यादा है कंपेयर टू द पॉपुलेशन ना, बाकी सेक्शन के देखिए सबसे ज्यादा हमारे प्री रिप्रोडक्टिव ही है ना। तो क्या है प्री रिप्रोडक्टिव मतलब कि हमारी अब ये कुछ टाइम बाद 9-10 साल बाद जो 14 ईयर से नीचे हैं वो 10 साल वो 24 साल के होंगे तो वो रिप्रोडक्शन करेंगे, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ये पॉपुलेशन अभी एक्सपेंड करेगी, ठीक है, बढ़ेगी। अब ये कौन सा कंट्री होता है, जैसे कि अफगानिस्तान है, मतलब जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो सब हैं, ये है। और हमारा कंट्री और ये देखिए, ये प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट सेम है, तो मतलब कोई खास डिफरेंस नहीं, पॉपुलेशन रेट वही रहेगा जो है, तो ये हमारी इंडिया की कंडीशन है अभी, ठीक है, उस तरह इंडिया से बन रहा है। डिक्लाइनिंग क्या है, ये हमारी डेवलप्ड नेशन है जैसे कि जापान है और ये है, तो इसमें क्या है प्री रिप्रोडक्टिव कम है कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव, कुछ साल बाद 10 साल बाद जब ये प्रोड्यूस करने की टाइम आएगी तो ये बोलेंगे कि हम तो उतना है ही नहीं, कर ही नहीं सकते, तो इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, इनकी पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट रहेगी, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो डूइंग विद दिस नाउ कमिंग टू, अब एक और चीज टर्म जो बोलते हैं हम छोटे क्लास में ज्योग्राफी में पढ़े हुए हैं 8th-9th में, उसको एक बार रिकॉल करेंगे, 4 टर्म्स हम यूज करते हैं पॉपुलेशन के सेंस में, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ से पहले हमें वो करने की जरूरत है, ठीक है, तो 4 टर्म है, एक होता है नेटेलिटी, नेटेलिटी, ठीक है, एक होता है मोर्टेलिटी, एक होता है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन, ठीक है, 4 टर्म होता है। तो बेसिक फंडा है आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नेटेलिटी मतलब कि बेसिकली कितने बंदे आ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑफिस प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, देखिए ये सब जितने चारों पैरामीटर है हम एक चीज कॉन्स्टेंट मान के रखेंगे, पर्टिकुलर प्लेस है हमारा, पर्टिकुलर टाइम है, मतलब कि प्लेस टाइम और पॉपुलेशन कांस्टेंट हम लेंगे, हम बोल दिए कि भाई हम अंसारी नगर ईस्ट के पॉपुलेशन लेंगे, कब लेंगे 2016 में लेंगे, ठीक है, तो हो गया हमारा प्लेस, हमारा हो गया पॉपुलेशन हो गया, और अब हम कितना पॉपुलेशन लेंगे कि अंसारी नगर वेस्ट की पॉपुलेशन जितनी भी होगी वो, तो पर्टिकुलर प्लेस पॉपुलेशन और टाइम कॉन्स्टेंट करके हम मानेंगे नेटेलिटी कितने नए लोग आए हैं उस पॉपुलेशन में, पर्टिकुलर प्लेस टाइम और ड्यूरेशन में, पॉपुलेशन में मॉर्टेलिटी कितने लोग मरे, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन बच्चे कंफ्यूज करते हैं ये आई वाला है ई वाला है, तो आई, ठीक है ना, कोई आई हिंदी में जाइए आई, वो आई, आई मतलब हमारे पास आई ना, नहीं तो गई होती तो गई बोलते हैं, तो आई मतलब कि कितने लोग आए उस पर अंसारी नगर वेस्ट की पॉपुलेशन में, एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है अंसारी नगर वेस्ट का टाइम और पॉपुलेशन नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कितने लोग आए, नंबर ऑफ पीपल कमिंग, ठीक है। तो ये इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन कितने लोग गए, यहाँ से कितने लोग गए, कहीं भी जा सकते हैं, कंट्री से बाहर जा सकते हैं, दूसरे एरिया में जा सकते हैं, तो वो ये होगा, ठीक है। तो आपको पता है पैदा होंगे तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, मरेंगे तो हमारी पॉपुलेशन घटेगी, इमिग्रेशन जाएंगे तो हमारी पॉपुलेशन घटेगी, या इसको माइनस से कर लो, आपके एनसीईआरटी में माइनस दिया हुआ है तो इसको माइनस, और आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट है आपके एनसीईआरटी में, आप देख लीजिएगा, ठीक है,
मतलब बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब ग्रोथ कर्व के बारे में बोलते हैं। तो बेसिकली ग्रोथ को एक्सप्लेन करने के लिए दो कर्व बनाए जाते हैं, ठीक है। दो टाइप की मॉडल होती है ग्रोथ मॉडल, कभी ग्रोथ मॉडल ये फॉलो होगा, कभी ग्रोथ मॉडल दूसरा फॉलो होगा। तो जो ग्रोथ कर्व है दो टाइप की, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। और ये थोड़ा लॉजिकल है, आपको समझना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तभी आप आंसर कर सकते हो, नहीं तो आपके गलत करने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं इसमें। तो दो ग्रोथ मॉडल होता है, मैं साइमल्टेनियसली बताऊंगा ताकि इजीली आप समझ सको। एक है एक्सपोनेंशियल मॉडल, एक्सपोनेंशियल मॉडल। तो आपने एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ी होगी स्कूल टाइम में मैथमेटिक्स में, अगर आपने 11th 12th में मैथ्स ऑप्ट भी किया होगा, बायो से नहीं ऑप्ट किया है तो मैं समझाता हूँ एक्सपोनेंशियल मॉडल। और एक होता है लॉजिस्टिक मॉडल, ठीक है। दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से 64, मतलब स्क्वायर रूट में स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल सीरीज। लॉजिस्टिक से क्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, लॉजिस्टिक। तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल बहुत हाई रेट पे बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए कर्व कौन से बनाते हैं, जैसे यहाँ हमारी टाइम था, यहाँ हमारी पॉपुलेशन थी, अचानक से ग्रोथ हमारी ऐसे हो गई, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, ठीक है। आर क्या है, रेट है। रेट क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ। अगर हम इमिग्रेशन में ले सकते हैं, टी टाइम है, ई टू एक्सपोनेंशियल कौन सा है, एन नॉट इनिशियल पॉपुलेशन, शुरू में पॉपुलेशन कितनी थी हमारी स्टडी करने से पहले, एन टी है स्टडी के बाद एक पर्टिकुलर टाइम है, पॉपुलेशन है टाइम टी, पॉपुलेशन लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पिछले 6 सालों से, मैं खुद प्रिपेयर करता था 11 2011 में, तो मैं खुद एक्सपेक्ट करता था आएगा, और आज तक एक्सपेक्ट करता हूँ कि आएगा, लेकिन आया नहीं, ठीक है। एपीएमडी में कभी नहीं आया, स्टेट में शायद एक बार एक आर की वैल्यू पूछा था, तो केरला वाला में साउथ इंडिया पीएमडी में 2012 के आसपास था। तो आर की जो वैल्यू होती है ना, आर क्या है, कौन सा आर है, अब बच्चे पूछेंगे कौन सा आर है, तो ये आर है, ये हमारा आर है, इसके बारे में बात कर रहे हैं जो रेट ऑफ ग्रोथ था। तो ये आर वैल्यू अरेंज करने को आ सकता है, ठीक है। तो कैसे अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फ्लोर बीटल, फ्लोर बीटल का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ह्यूमन का होता है, फिर नॉर्वे रेड, जो एनसीईआरटी की एग्जांपल है उसकी बात कर रहा हूँ, ह्यूमन रेड, और उसके बाद ह्यूमन देन रेड, नॉर्वे रेड, ये नॉर्वे रेड है। अब वैल्यू भी अगर याद रखने को बोल दिया जाए तो 0.015 इसका है, इसके बाद 0.12 इसका है, इसका 0.02 है, और पॉइंट कुछ ऐसे, मतलब आपका ये ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रख सकते हो सकता है कभी पूछते, न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको याद रखना पड़ सकता है मतलब कुछ लेकर एग्जाम में, ठीक है। और इसके बाद 0.12, 0.02 और 0.015 ऐसा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो कर्व है लॉजिस्टिक्स वाला, वो मतलब लॉग, लॉग से रिलेशन है कुछ, ठीक है। लॉजिस्टिक जो कर्व है इसमें हम क्या देखेंगे कि लॉजिस्टिक ग्रोथ, तो जनरली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होता है, जब हमारे पास रिसोर्स अनलिमिटेड हो, खाने पीने की एकदम आराम से कंडीशन, कोई डिजीज ना हो, कोई रिसोर्स की कमी ना हो, तब। और वो नेचर में नहीं होता, नेचर में हमेशा कॉम्पिटिशन होता है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होगा, जब हमारा एक लिमिटेड कंडीशन होगी, एक मतलब जो नॉर्मल, ये नॉर्मल कंडीशन हमारा नॉर्मल है, ठीक है।
ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं ना, इसको वीपीएलजी ग्रोथ बोलते हैं। कौन सा वीपीएलजी? इसका वीपीएलजी का फॉर्म है वरहुस पर लॉजिस्टिक कर्व, वरहुस पर लॉजिस्टिक कर्व, वीपीएलजी, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, dN by dt, ये लॉग का टर्म आ गया ना, आप लॉग में भी पढ़े हो बेसिक फिजिक्स में, dN by dt इज इक्वल टू rn, r क्या है रेट, वही r जो वहां पे था सेम है rn, तो k माइनस n by k, ठीक है। रेट ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू rn into k माइनस n by k, r रेट है। अब देखिए क्या क्या है, r रेट है, n इनिशियल पॉपुलेशन है, k क्या है कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी, n क्या है अभी पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन, ठीक है करंट पॉपुलेशन। तो ये क्या है, ये तो समझ में आ रहा है, ये रेट है, ये इनिशियल पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन है, मतलब ये इनिशियल पॉपुलेशन है, एक्चुअली हम यहाँ रेट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ये पॉपुलेशन, ठीक है ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, जब हम स्टडी कर रहे हैं सब कुछ जो M16 में कर रहे हैं, तो 2016 की पॉपुलेशन है k माइनस n बाई k, k कैरिंग कैपेसिटी है, और कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, और n हमारी जो अभी ये पॉपुलेशन जो यहाँ पे हम यूज किए हैं, तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, ये वो पॉपुलेशन, कैरिंग कैपेसिटी इज दैट पॉपुलेशन फॉर अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम दैट इज सपोर्टेड बाय द इकोलॉजी। मतलब अगर हम ऐसे देखें तो अभी हमारा रिसोर्स जो भी है उसके हिसाब से हम कितने पॉपुलेशन को सपोर्ट कर पाए, हमारे पास 100 लोग का खाना पीना है, 100 लोग का जगह है, तो हम 100 लोग, हमारी कैरिंग कैपेसिटी 100 होगी, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि ये हमारी 100 सीट्स अवेलेबल इन दिस लेक्चर, ठीक है, 100 हम 100 बच्चों को केवल एडमिट करेंगे, दैट इज हमारी लेक्चर की कैरिंग कैपेसिटी है, वैसे ही कॉलेज की भी कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो आप ये कॉमन सेंस लगाइए, अब इसके बारे में रीड करिए, कैरिंग कैपेसिटी माइनस पॉपुलेशन, ठीक है, बाय कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी हमारा पूरा हो गया, अब उसके ऊपर हमारी अगर कोई पॉपुलेशन है कितनी है, मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी मान लीजिए हमारा 100 का था, हमें 112 बच्चे आ गए, तो 12 जो एक्स्ट्रा है क्या करेंगे, जो कैरिंग कैपेसिटी वाले जो 100 लोग थे उनके रिसोर्स पे उंगली करेंगे, उनकी सीट पे बैठने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ठीक है उनके लिए जो समोसा होगा वो खाने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या है, ये बेसिकली उनके लिए क्या है, रेसिस्टेंस है, तो इसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस, एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस, ठीक है, बेसिकली एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस है हमारा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k माइनस n बाई k, या इसको ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस n बाई k। मैं ये क्यों बकचोदी कर रहा हूँ इतना, क्या पर्पस है, BHU 2011 के क्वेश्चन एम्स में एक बार आ चुका है, कई PMTs में और भी आया है कि ये वहाँ वो पूछता है कि इस इक्वेशन में ये क्या है, बस नहीं आता, वो नहीं आता, और कॉमन सेंस लगेंगे तो सॉल्व करेंगे कि एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस है, कितना एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस आ रहा है, तो बाकी यही है। और इसको वीपीएलजी कर्व बोलते हैं, कभी कभी लॉजिस्टिक ग्रोथ की जगह वीपीएलजी ग्रोथ भी बोल सकते हैं, या वीपीएलजी कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक और होता है कि रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी, मतलब कि एनसीईआरटी में आपके इसी ग्रोथ कर्व से रिलेशन में दिया है कि रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी के बारे में बोला है कि मतलब रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी जो होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, तो सिंपली चार तरह की होती है, ब्रीड वंस इन लाइफ टाइम, एक बार बस ब्रीड करेंगे। अब आपने 12th के शुरू के चैप्टर में नीला गुरंजी और इन सब का पढ़ाया कि जो 6 साल में करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ब्रीड वंस इन लाइफ टाइम ये हमारी सलमान फीस है, कौन सी चीज, सलमान फीस, ये लोगों को ठोकता रहता है गाड़ी चला के, ये सलमान फीस है हमारी, पैसिफिक सलमान फीस, ठीक है, पैसिफिक सलमान फीस है, ब्रीड वंस इन लाइफ टाइम, ठीक है, क्योंकि फिर तो ऐसे याद रख सकते हैं कि वंस इन लाइफ टाइम क्यों ब्रीड किया, क्योंकि फिर इसे जेल हो गई थी, यहाँ पे जुडिशरी अच्छी थी, पैसों पे नहीं मिलती थी, हमारी इंडियन जुडिशरी जैसी नहीं थी कि इफ यू हैव मनी देन यू कैन मैनिपुलेट जुडिशरी आल्सो, ब्रीड वंस इन लाइफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इसे जेल हो गई थी सलमान को, ये यहाँ वहाँ पे भी बेचारे स्ट्रीट्स वालों को ठोक गया, तो इसलिए इसे जेल हो गई, तो ये एक ही बार कर पाया। अब ब्रीड वंस इन लाइफ टाइम के बाद जो नेक्स्ट है ब्रीड मेनी टाइम्स, ब्रीड मेनी टाइम्स, सब ब्रीड, हम ह्यूमन ब्रीड मेनी टाइम्स करते हैं आराम से, तो इसके लिए
नहीं तो आपके भाई बहन नहीं होते। मोस्ट बर्ड्स हैं मैमल्स, ठीक है, हम मैमल्स हैं, मैमल्स ब्रीड वेंडर। अब एक है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग्स, ये देखिए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, बहुत ढेर सारी स्मॉल